हाँ जी स्वर्ग का राजा इंद्र कौन है उसके ऊपर स्वर्ग का राजा इंद्र कौन है और उसके ऊपर विजय पाने वाला कौन है? इंद्र के ऊपर राक्षस विजय पा लेते हैं द्वापर युग से, शूटिंग पीरियड में भी विजय पाते हैं। इंद्र भयभीत होता है या नहीं होता है? ब्रह्मा बाबा को जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तो भयभीत हो गए कि नहीं? तो ब्रह्मा बाबा को हार्ट फेल करने वाले कौन हुए? राक्षस संप्रदाय है या दैवी संप्रदाय? तुमने पूछा है गंगा का पानी घाट को छोड़कर नहीं जाता, लेकिन इस साल पहली बार गंगा का पानी घाट को छोड़कर बहुत अंदर चला गया है, तो बाबा गंगा रूठ गई है ऐसा कहते हैं। गंगा के रूठने का कारण क्या है? है क्या? ज्ञान नहीं है। अच्छा, क्या ज्ञान नहीं है? बाबू का आपका परिचय है? परिचय है नहीं, भूल गई बाबू। जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों में पवित्रता को विशेष महत्व धर्म देने वाला धर्म कौन सा है? अच्छा, तो द्वापर कलयुग में महत्व देते हैं? संगम युग में जब बाप आते तो उस टाइम तो देते हैं ना कि है? बाप जब आते हाँ? तो उस टाइम तो पैसे तो बहुत सारा चलते ना। महत्व देते हैं? अभी महत्व दे रहे हैं? 70 साल हो गए है? अगर अभी महत्व देते होते तो बाबा ऐसा क्यों कहते जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी? संगम युग में तो बाबा के द्वारा हमसे महत्व दिलवाया जाता है, हम देते नहीं हैं, लेकिन सन्यासी तो पवित्रता को पहले से ही महत्व देते रहे। भले सच्ची पवित्रता क्या होती है उसके अर्थ को नहीं जानते, तो पवित्र है सन्यासी, और सन्यासी इसको ज्यादा मान देते हैं, गंगा को बहुत मान देते हैं। जैसे कि उनकी मुखिया है, तो गंगा को किस बात का मान होगा? है अपनी प्योरिटी का बहुत मान होगा। रुद्रमाला में यमुना भी है, सरस्वती भी है, उनकी भुजाएं भी हैं, यमुना का भी काम चलता और सरस्वती का भी काम चलता, सरस्वती जगदम्बा का।
परंतु इनके द्वारा जो भी कार्य हुआ उनमें जब तक ज्ञान गंगाएं ना ऐड हो जाए तब तक कार्य संपन्न नहीं होता। और घाट पर कपड़ों को धोने वाला धोबी कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा अगर गंगा को मान न दे और यमुना के और सरस्वती के पीछे पड़ जाए जगदम्बा के, तो गंगा रूठेगी कि नहीं रूठेगी? हैं? रूठेगी तो रूठ के दूर चली गई। गंगा में जा, वो कंपिल में जाके देखो, बूढ़ी गंगा कंपिल के किनारे किनारे बह रही है, कुंडों में पानी भरा हुआ है। और जो नई गंगा है वो बहुत दूर है। वहां लोग कहते हैं कि गंगा की धार जब बूढ़ी गंगा में बहने लगेगी, जो कंपिल से लेकर के कायमगंज और उधर शमशाबाद तक फैली हुई है, तभी इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो किसी ने पूछा तो ठीक, गंगा रूठ गई है। गंगाएं अंत में निकलती हैं या मध्य में? जो अंत में सो आदि में भी रही होगी, बेसिक में भी याद में रही होगी। गंगे दादी याद हैं? है? कहां की इंचार्ज थी? कानपुर की। वो तो बेसिक में हो गई, उनकी बीज रूप गंगे दादी होंगी या नहीं होंगी? वो भी अभी कहां की इंचार्ज होंगी? अव्यक्तवाणी में तो इशारा दे दिया। गंगा कहां से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? अब बताओ, इलाहाबाद तो ठीक है क्योंकि तीनों नदियां वहां मिलती हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, इलाहाबाद का नाम तो ठीक है, कानपुर का नाम क्यों ले दिया? है? वहाँ बीज है, कानपुर में बीज है, फरक्काबाद में नहीं है, है? क्योंकि गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं, उन शहरों में कारखानों का सबसे ज्यादा कचरा कहाँ से पड़ना शुरू होता है? है? कानपुर से। तो गंगा अंत में पतित हो जाती है या पावन होती है? पतित हो जाती है। तो पतित गंगा कौन से शहर के नजदीक हो, कहाँ होगी? कानपुर के नजदीक ही होनी चाहिए। लेकिन एडवांस में गंगा पहले पहले ज्ञान सुनती है, एडवांस ज्ञान यमुना और सरस्वती नदियों के मुकाबले पहले सुनती है या बाद में सुनती है? पहले सुनती है, सतोप्रधान ज्ञान सुनती है, एकदम सात्विक स्टेज वाला। और जितना यमुना नहीं सुनती, जगदम्बा सरस्वती नहीं सुनती जितनी गहराई से, उतनी गहराई से वो ज्ञान एडवांस ज्ञान सुनती है। परंतु जैसा किसी ने पूछा
कि गंगा क्यों रूठ जाती है, है? है? हाँ, गंगा की प्योरिटी का जो मान मिलना चाहिए वो मान नहीं मिला तो रूठ गई। तो मान क्यों मिलना चाहिए? वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर मान मिलना चाहिए या भूतकाल और भविष्य के आधार पर मान मिलना चाहिए, है? तो वर्तमान में तो कोई ऐसा पुरुषार्थ है नहीं। यमुना का पुरुषार्थ फिर भी कहेंगे कि कम से कम फाउंडेशन डालने वाली तो है, भले ज्यादा समय टिकी नहीं, लेकिन अगर यमुना ने फाउंडेशन ना डाला होता तो एडवांस होता ही नहीं। और जगदम्बा का मान इसलिए कि जगदम्बा निकलती है तो यमुना की तरह अल्पकाल के लिए नहीं निकलती, दीर्घकाल के लिए ठहरती है। और जब तक फाउंडेशन ब्राह्मण धर्म का पक्का न पड़ जाए, देवता धर्म का फाउंडेशन न पड़ जाए, तब तक टिकी रहती है। अगर जगदम्बा न निकली होती तो इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार अभी नहीं बैठा होता। तो जगदम्बा को मान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, इसमें रूठने की कोई बात नहीं। बाकी रही पतित पने की बात, सो ईश्वर के मुकाबले तो सारी आत्माएं पतित ही हैं, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, पतित तो सब हैं। हाँ, स्त्री चोला है, बाप की बनती है तो माता का पार्ट बजाने वाली है, माता गुरु की स्टेज में आने वाली है, इसलिए उनका मान तो होना चाहिए। तो जो गंगा दूर चली गई वो कभी नजदीक आएगी या नहीं आएगी? है? आएगी, नजदीक भी आएगी और तलवार का रूप भी धारण करेगी। गंगा की ही तलवार का रूप कहाँ धारण करती है? निकलती है हरिद्वार से, ऋषिकेश से उतरती है पहाड़ से, हरिद्वार से निकलती है, फर्रुखाबाद से होती हुई कहाँ पहुंची? कानपुर। तो यहाँ तक तलवार का रूप धारण नहीं करती, कौन से शहर में पहुंचती है तो तलवार का रूप धारण करती, वरुणा नदी के किनारे पहुंचती है तो तलवार का रूप धारण कर लेती है। तलवार कहा जाता है असी को, असी माने तलवार, वरुणा असी, दोनों शब्द मिलाए तो पड़ गया वरुणारसी, वाराणसी। ऐसे भी नहीं कि वाराणसी में ज्ञान का रस बनता है, वो बनारस कोई स्थूल है, जहां वो चैतन्य ज्ञान गंगा आकर मिलती है वहीं से ज्ञान का रस बनता है।
तो एडवांस में भी ज्ञानकारस बनने से पहले गंगा नदी कंपिल में पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी? है, जरूर पहुंची होगी। और जो ये सत्संग है सही रीति सच्चा सत्संग है, क्योंकि जो आ रहे उसमें इतना क्लियर नहीं बोल, कोई भी बात क्लियर नहीं होती, इधर सारी बातें क्लियर हो रही, इसलिए बोल। यहाँ अष्टदेव 108 की माला और सब कुछ क्लियर हो रहा है, ऐसा कौन सा सत्संग है जिधर ऐसा बताया हुआ है, बताओ। हमें तो आज तक नहीं दिखाई दिया, बहुत सारे सुन रहा हूँ तो मैंने सुन रहा है, दिखाई भी नहीं देता, इधर इतना सच्चा चल रहा है, ऐसा दुनिया में किधर भी नहीं चल रहा है ऐसे ही। आत्माओं की भी कैटेगरीज होती है, जैसे घोड़ों को घोड़ों के बीच में अच्छा लगेगा या हाथियों के बीच में अच्छा लगेगा, है? घोड़े घोड़ों की बड़ाई करेंगे, हाथी हाथियों के झुंड की बड़ाई करेंगे। तो आपका जो ग्रुप है, जो आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में बैठ करके आपको वही कैटेगरी अच्छी लगेगी। आसाराम बापू का सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, आसाराम बापू के यहाँ के सत्संगी उठा के यहाँ बैठा दो, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अच्छे में आखिरी तो सत्य का विजय तो होने वाला है ना, ये तो सही है। सच्चे सच्चाई सर के ऊपर चल के, सर के ऊपर चढ़ के बात करती है, और झूठे जो होते हैं वो तो कहाँ सर के ऊपर चढ़ के बात कर रही है, हम तो कर रहे हैं अभी। कहाँ कर रहे हैं? माउंट आबू में जाके रहने लगो तब कहे, अंत में आएंगे ना सर। ऊपर यही बात हो गई ना, अभी तो नहीं ना, अभी सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के नहीं बोल रही ना, अंत में सभी सत्संग वाले इकट्ठा आएंगे ना। हाँ आएंगे, तो वो तो गेंगे वाली बात हो गई, दूसरे मठपंथ वाले कहेंगे हम आएंगे तुम नहीं आओगे, आना ही है। वो कहेंगे हमको ही आना है तुमको नहीं आना है। है क्या मुरली में शब्द आया, एक गुरु कंदम कच्चम कुरम, कच्चम कुरम ऐसा शब्द आया, कच्चम कुरम। बाबा ने कहा है कि मैं किसी पर कृपा अकृपा नहीं करता हूँ, लेकिन एक नैनों के पलकों पर ले जाऊंगा ऐसा कहा है? नैनों के पलकों पर बिठाकर ले जाऊंगा, जो मेरी दुकान संभालेंगे उनको। वो कृपा में आती है ना बात, कृपा में नहीं आती, कृपा काहे की, जिन्होंने दुकान संभाली उनको ले जाएगा। जो बाप है दुकान संभालने वाले बच्चे की ज्यादा देखभाल करेगा या निठल्ले बैठे वाले बच्चे की ज्यादा देखभाल करेगा? तो इसमें कृपा की क्या बात है, जो पुरुषार्थ करेगा सो पाएगा। जो तीस राष्ट्र जो होगा वो इस्लाम धर्म का पुरुष होगा, जो तीस राष्ट्र जो होगा, जो तीस राष्ट्र अष्टदेव अष्टदेव इस्लाम धर्म का पुरुष होगा, तो उसके पाठ को समझने के लिए क्या मतलब इशारे है, उसके पाठ को समझने के लिए क्या इशारे होंगे? इस्लाम धर्म की कोई विशेषता है, कोई खासियत है? इस्लाम धर्म की खासियत है वो अपने धर्म के धारणा के बड़े कट्टर होते हैं। क्या जो धारणा उनकी बुद्धि में धस जाए बैठ जाए फिर उस पर उनको कोई टाल नहीं सकता,
ये तो विशेषता होगी। धारणा गहरी नहीं होती है, उनके धर्म के सिद्धांत तो बहुत गहरे नहीं हैं, फिर भी जितने भी सिद्धांतों को उन्होंने धारण किया है उनमें इतने कट्टर होकर के चलते हैं कि कोई उनको हिला ही नहीं सकता। जैसे धर्मराज होता है, एक सेकंड भी हिल नहीं सकता। उसमें भी वही धर्मराज का पद होगा, बिल्कुल होगा। ईश्वरीय कानून के प्रति पूरा समर्पित, लौकिक परिवार के लिए मरने वाला नहीं, अलौकिक ब्राह्मण परिवार के लिए भी मरने वाला नहीं, किसके लिए जी जान देने वाला है? हाँ, बाप के लिए, बाप के सिद्धांतों के लिए अटूट विश्वास। और बाबा, हाँ जी, कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र पर कविता सुनाई। आप जाने कुरुक्षेत्र पर अर्जुन को कविता सुनाई, ये अर्जुन कुरुक्षेत्र कौन सा है? कुरु माने कर, क्षेत्र माने स्थान। गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। अच्छे और बुरे कर्म करने का क्षेत्र माने खेत, खेत है, खेत कहा जाता है युद्ध भूमि को। इससे अच्छे कर्म भी हो सकते हैं इसमें, और बुरे कर्म भी हो सकते हैं, जो पहले ही श्लोक में बोला है गीता में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र वो कोई मैदान नहीं है जो दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में है। उस मैदान में 18 अक्षौणी नहीं इकट्ठे हो सकते। 18 अक्षौणी की संख्या इतनी है जितनी आज दुनिया की मनुष्यों की आबादी। तो उस कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, ये पाप और पुण्य का युद्ध हमारे शरीर के अंदर चलता है। ये क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, इसी को कुरुक्षेत्र कहेंगे। ये संगम युग में जो मनुष्य जीवन मिलता है यही कुरुक्षेत्र है। मन के अंदर खराब और अच्छे दोनों प्रकार के संकल्प चलते हैं। जो खराब संकल्प चलते हैं वो कौरवी संकल्प हैं, कौरव संप्रदाय के। अच्छे संकल्प चलते हैं वो पांडव संप्रदाय के संकल्प हैं। दोनों के बीच में युद्ध चलता है, परीक्षा भी होती है, कौन कितना सच्चाई पर अडिग रह सकता है। ये माया की फाइनल परीक्षा भी होगी। उस फाइनल परीक्षा में नंबर बन जाएंगे,
कि 100% सच्चा कौन है। पौने 99% सच्चा कौन है। 99.5% सच्चा कौन है। वो एक ही बात अगर ये युद्ध न हो तो पता ही नहीं चलेगा। नंबर बनेंगे नहीं। 500-700 करोड़ आत्माएं सब नंबर बार इस सृष्टि पर उतरनी है। नंबर बार वापस जावेंगी। बाबा बोलते सकते कि नया जिलेंगी जुलेंगी लेकिन जुलेंगी नहीं। जगदम्बा के लिए लागू होता है तो सब बच्चन के लिए लागू होता है। नंबर बार सभी के लिए लागू होती है। सबके अंदर कुछ न कुछ सच्चाई है। जितनी सच्चाई है उस सच्चाई के अनुसार नैया डूबेगी नहीं। जगदम्बा के लिए भी सच्चाई है। सच्चाई न होती तो रुद्रमाला का आखिरी मण का शिव बाबा की इतने नजदीक कैसे होता। पहला मण का भी शिव के उतने ही नजदीक और आखिरी मण का भी शिव के उतने ही नजदीक। सच्चा है तब तो नजदीक है। सच्चा बाप आता है, सच्ची बात सुनाता है, सचखंड स्थापन करता है, सच्चा बादशाह बनाता है। सच्चे बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। इसलिए उनके गुणों में सत्य चित्त आनंद कहे जाते हैं। तीन गुण विशेष। उसमें पहला गुण कौन सा? सत्य। अंग्रेज लोग यू कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। भगवान क्या है? सच्चाई ही भगवान है। बाबा अभी तेरे दिल पे आए हूँ, कुछ करके ही जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, उन्नत मर के जाऊंगा, तो ज्ञान अपने की झोली भर के और जीती जी मर के जाने वाला हूँ। झोली भरी नहीं, भर रहा हूँ। जाओ ना। जीती जी तो मैं मर रहा हूँ ना, अभी तो पुराने मरा लेकिन प्रसिद्ध दिन मर रहा हूँ ना, प्रसिद्ध दिन मर रहा हूँ ना अभी। अच्छा, मरने के लिए वो तो ठीक है। नंबर बार आगे तो बढ़ रहे हैं। अभी घर छोड़ के तो नहीं भागते, अब नहीं जाते। कंपिल जाने की दिल होती है, खेत में रहने की दिल नहीं होती। जाके आता हूँ, जाके आता हूँ लेकिन ठहरता नहीं हुआ। नहीं नहीं, 15-20 दिन। ओ ठीक है ठीक है, वो कोई बात नहीं। बाबा ये कारण कितने खेल रचाया और छिप गया है। किसने ये सब खेल रचाया? अंत में होगा क्या बाबा? क्यों यज्ञ के आदि में नहीं किया क्या? यज्ञ के आदि में नहीं किया खेल? खेल की शुरुआत किसने की है? अरे खेल की शुरुआत बिंदी बाप ने की या शिव बाबा ने की? शिव बाबा ने की। फिर छुप गया कि रह गया है? छुप गया। आदि में ऐसा किया तो अंत में ऐसा नहीं करेगा? जो आदि में सो अंत में। फिर अंत में हमारे सामने है, परीक्षा दो।
चंद्रगुप्त को उसका गुरु विद्यादान देता है तो उसका बेहद में अर्थ क्या है? है यज्ञ के आदि में ज्ञान देने वाला कोई प्रैक्टिकल में था या नहीं था? कौन था? शिव बाबा था ना, प्रैक्टिकल में था, शरीर सहित था या बिंदी बिंदी मात्र था? शरीर सहित था। उस समय उसने जो ज्ञान दिया, जिसको ज्ञान दिया वो चंद्रमा गुप्त था या प्रत्यक्ष था? उस समय नहीं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उनको अपने पार्ट की महसूसता तो सन 47 में हुई, तब नाम रखा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तब अपन को समझा मैं ब्रह्मा हूँ, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। सन 47 से पहले वो चंद्रमा गुप्त था या लोगों को मालूम था यही ज्ञान चंद्रमा है? अगर मालूम होता कि ये ज्ञान चंद्रमा है तो ये भी मालूम होता कि चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है, तो सूर्य का भी ज्ञान होता न? तो उस समय सूर्य का किसी को ज्ञान, ज्ञान सूर्य कौन है, और न उस समय चंद्रमा का किसी को ज्ञान था। तो चंद्रगुप्त था। कैसा चंद्र था? गुप्त चंद्र था। उस गुप्त चंद्र को ज्ञान मिला, किससे मिला? अपने गुरु से मिला, ज्ञान सूर्य से। आदि में मिला तो अंत में नहीं मिलेगा? अंत में भी मिलेगा। है लेकिन वो मान तो नहीं रहा है। गीता का भगवान कौन है अभी? तो किसको मानता है? है स्वयं को ही मानता है। अगर इस दुनिया में कोई गीता का साकार भगवान है तो कौन है? मैं हूँ, शिवो हम ब्रह्मास्मि। और बाबा जैसा कंपनी में अपना अमृत वेला रिकॉर्ड बजता है, मुरली बजती, ऐसे भक्ति मार्ग में सारे गांव में भक्ति मार्ग में कुछ गीत लगाते हैं, कुछ न कुछ प्रवचन विवचन करते हैं, तो अगर मेरे गांव में अगर केतु कोई हार जाएगा ये लगाने में परमिशन निकलनी पड़ी, ये परमिशन निकलनी पड़ी मुरली लगाई तो मुझे मालूम नहीं पड़ता, इसलिए आप पूछ रहा हूँ। क्या नहीं मालूम पड़ता? नहीं नहीं, कंपनी में ऐसे मुरली चलाते ना सुबह हम उतले बड़ी आवाज में। बड़ी आवाज में कहाँ चलाते है? तो आज की दुनिया में भक्ति मार्ग में लाउड स्पीकर लगा कर ये जोर जोर से बोलते हैं, ज्ञान मार्ग में थोड़ी जोर से बोला जाता है। लोगों को ये समझ लीजिए अपना गुप्त ज्ञान है या ढोल मजीरा वाला ज्ञान है? गुप्त ज्ञान है। मुझे मालूम नहीं, इसलिए पूछा मैंने। और
अमेरिका ने राधेन का खात्मा किया, उसका वेद का राज है। अमेरिका की फौज की एक छोटी सी टुकड़ी ने लादेन का खात्मा कर दिया। लादेन का पूरा नाम क्या था? ओह, शाम आ गई, तेरी शामत आ गई। ला दे ना, जो तेरे पास है सब कुछ लाके दे दे। छोटा मोटा डकैत है या बड़ा डकैत है? जो बड़े बड़े डकैत हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो भी आतंकवाद फैलाते हैं। तो ये तो बड़ा डकैत है। वो बड़ा डकैत किसके द्वारा मारा गया? अमेरिका। अमेरिका का अर्थ है अव्यक्तवाणी में क्या बताया अभी अद में? हा मेरे का, तुम मेरे हो क्या? मेरे हो या माया के हो? हा? अमेरिका में भगवान को ज्यादा मानते हैं या माया की चकाचौंध को ज्यादा मानते हैं? माया की चकाचौंध को ज्यादा मानते हैं। तो ऐसी माया की चकाचौंध को मानने वाले अमेरिका की मिलिट्री ने, छोटी सी टुकड़ी ने लादेन को धर दबोचा। वो भी कहां? पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में नहीं, कहां? एक है पाकिस्तान। पाक किसे कहते हैं? पवित्र को। हरि ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती योग का प्रभाव कौन से स्थान पर है? जहां योग का प्रभाव जास्ती होगा वहां प्योरिटी होगी या नहीं होगी? इतनी प्योरिटी वहां इकट्ठी हो जाती है वायुमंडल में कि सारी दुनिया में सारे भूखंड भूकंप की चपेट में आ जाते हैं। और माउंट आबू भूखंड भूकंप की चपेट में नहीं आता। जो सच्चाई है वो ज्यादा समय तक जीवित रहती है या झूठा ज्यादा समय तक स्थिरियम रहता है? तो माउंट आबू पवित्र भूमि है भगवान की याद के हिसाब से। ब्राह्मणों की दुनिया में लादेन कौन है? प्रजापिता लादेन है, रामपाली आत्मा। वो बड़ा भारी डकैत है। उसको डकैत भी कहते जाते हैं, घर में भी बैठाते जाते हैं। राम वाली आत्मा डकैत हो सकती है या कृष्ण वाली आत्मा डकैत हो सकती है? है? है। जो बैल का पार्ट है राम वाली आत्मा का नहीं है,
शिव के मंदिर में जो बैल दिखाते हैं वो किसका पार्ट है? कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है। उस बैल को नाली की तरफ बैठा हुआ दिखाया जाता है। उनकी बुद्धि में ये ठसा हुआ है कि मैं गीता का साकार भगवान हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे संग के रंग से पतित पावन बनेंगे। अब संग साकार में किया जाता है या निराकार और आकार में? तो ब्रह्मा की सोल के लिए साकारी शरीर कौन है? है दो ही आत्माएं हैं मुख्य, बाकी बच्चे तो नंबरवार हैं, एक जगत पिता एक जगदम्बा। उसमें भी पतितों को पावन बनाने का जो काम है वो जगदम्बा का है या जगत पिता के थ्रू है? जगत पिता के थ्रू है। तो वो जगत पिता में शिव की सोल भी प्रवेश करती है और कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है। जो कृष्ण की सोल प्रवेश करती है उसके अंदर ये बात भरी हुई है। आज सारी दुनिया की शामत आई हुई पड़ी है। धर्मराज का पार्ट वास्तव में किसका है? शामत आ गई, जो कुछ अंदर है बाहर है वो सब निकाल के रख दो। अब कुछ भी अपने पास रखने की दरकार नहीं है। बीवी बाल बच्चे धन संपत्ति कुछ भी अपने पास कहीं भी अपने मन को बुद्धि को रमा करके रखने की दरकार नहीं है। तो ये जबरदस्ती बात वाली बात हुई, आतंक फैलाने वाली बात है या सहज 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 ज्ञान और सहज राजयोग है? सहज सहज है, सहज है। समझने वाले जो समझने वाले कौन? अरे जबरदस्ती निकाल के रख दो, ये क्या बात हुई? आतंकवादी। अगर इतना सारा ड्रामा का सामने दिख रहा है ना, सहज सहज देना अच्छा है ना? शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते थे तो ब्रह्मा की सोल एक एक को दृष्टि देती थी या नहीं देती? है देती थी। उस दृष्टि से पतित से पावन बनते हैं क्या? क्यों नहीं बनते? वो माता का पार्ट था, लेकिन ब्रह्मा की बुद्धि में क्या बैठ गया तभी से कि मेरी दृष्टि से सारी सृष्टि पावन बननी है? और अभी भी बुद्धि में क्या है? है अरे राम वाली आत्मा सबसे जास्ती पतित है। ये नहीं बुद्धि में आता है कि ये दधीचि ऋषि के धनुष को भी तोड़ने वाली आत्मा है। कौन? राम वाली आत्मा। उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस करने वाली आत्मा है। पुरुषार्थ को ही धनुष कहा जाता है। तो अहंकार है जो 16,000 गोपियों को आकर्षित कर लेता है। वास्तव में शिव जिसको आकर्षित करेगा वो आकर्षित हुए बगैर रह जाएगा क्या? है वो नहीं रह सकता। शिव कितने को आकर्षित करता है? है त्रिमूर्ति के साथ तो आता है, तीन मूर्तियों को आकर्षित नहीं करता है। तीन मूर्तियों को अगर आकर्षित करने वाला होता
तो ब्रह्मा की भी पूजा होनी चाहिए। ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा नहीं होती, इससे साबित होता है कि ब्रह्मा मूर्ति के साथ आता तो है लेकिन आकर्षित नहीं करता। इसको आकर्षित करता है, विष्णु को आकर्षित करता है, विष्णु को भी आकर्षित नहीं करता, क्योंकि विष्णु इसी सृष्टि का है या परम धाम का है, इसी सृष्टि का है। सिर्फ एक शंकर वाली आत्मा है जो शिव के आकर्षण में पूरी 100% पहुंचती है, इसलिए शिव के साथ शंकर का नाम ऐड किया जाता है। तो ब्रह्मा की सोल है, जो 16,000 गोपियों को अपनी ओर बलात् आकर्षण कर लेती है। बड़ा संगठन है सूक्ष्म आत्माओं का, सूक्ष्म शरीरधारियों का। इकतीस मार्च को अव्यक्त बाप दादा माउंट आबू में पधरामनी हुई, इस सीजन की लास्ट पधरामनी। इकतीस मार्च को उस समय घोषणा भी कर दी कि ये लास्ट सीजन का लास्ट डेट है। बाद में 13 अप्रैल को फिर आ गए बुलाने पर। कब आ गए? जब बंबई में बम्बार्डमेंट हो गया छोटा सा, 6-8 लोगों ने स्टिकर लगा दिए। रूहानी मिलिट्री है ना बाबा के पास, तो रूहानी मिलिट्री ने वो बॉम्बे में स्टिकर्स लगा दिए जिसमें 8 पॉइंट लिखे हुए थे। हेडिंग था ब्रह्मा कुमारियां बताएं नहीं तो हम बतावेंगे। बस बंबई में हलचल फैल गई, वो हलचल माउंट आबू तक पहुंची। माउंट आबू में दीदी दादियां भी उन बातों को लेकर, 6-8 बातों को लेकर ही घबराने लगे। फटाफट बाप दादा को बुलाया गया और बाप दादा के पास भी उन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं। तो पवित्रता की भूमि में ही लालदेन मारा गया। कहाँ मारा गया, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में माया कैसी घूमती थी? माया ने मारा बोल रहे हैं। माया ने मारा, अमेरिका ने? हाँ, तो वहाँ कैसी? अमेरिका ने माया मारा, अमेरिका की टुकड़ी है ना एक। हाँ, अमेरिका की फौज, आ मेरे का, आओ तुम मेरे हो क्या? अमेरिका में जितनी धन संपत्ति है, जितनी माया फैली हुई है, इतनी माया दुनिया के किसी और देश में है नहीं है। और हिंदुस्तान के हिसाब से देखा जाए तो बंबई में जितनी माया फैली हुई है, इतनी माया भारत के किसी और शहर में फैली हुई है, तो उसका नाम ही रख दिया माया नगरी। तो माया नगरी कोई टुकड़ी है, तो वो टुकड़ी पाकिस्तान में कैसे घुस सकती है? पाकिस्तान है ना वो तो पवित्र। माया की नगरी रहती कहाँ है? मुसलमानों के बीच में नहीं रहती है? मुसलिम है ईमान जिनका, उनको कहते हैं मुसलमान। बेईमान नहीं। और तो ये भी आत्मा तो बम्बई है विनाशकारी, और बम्बई
विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो बम्बार्डमेंट कहाँ होंगे? बम्बई में ही होना चाहिए। नहीं, माया की नगरी में। माया कैसी घुसेगी पाकिस्तान में? माया कैसे घुसेगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान है। अरे माया बेटी है कौन से धर्म की? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की है तो वो पाकिस्तान में नहीं घुसेगी, उसको पाकिस्तान में घुसने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पति घुस नहीं सकते ना? है पवित्र आत्माएं हैं? जहाँ पवित्र आत्मा है एक भी पति। पवित्र आत्माएं कहाँ हैं? पवित्र स्थान है वहाँ। प्योरिटी का इतना प्रभाव है कि भूकंप आएंगे सारी दुनिया में लेकिन माउंट आबू नहीं हिलेगा जब तक आखिरी विनाश न हो। और जो स्थान है वो सब हिल जाएंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी सब धराशायी हो जाएंगे। एक माउंट आबू ही पहाड़ ऐसा है जो ऐसे ग्रेनाइट गहरे पत्थर का बना हुआ है, जो सारा पहाड़ एक ही पत्थर का बना हुआ है। छोटे मोटे भूकंपों का असर नहीं होगा, लास्ट में तो सारी दुनिया खलास होनी है। माया ने दबोच लिया बोलते ना? हाँ तो नहीं दबोचा क्या? ब्रह्मा बाबा को माया ने नहीं दबोचा माउंट आबू में? है दबोच लिया। इंडोनेशिया का अर्थ क्या है? बेहद में इंडोनेशिया कौन है? नाम है इंडियन। और दूसरा शहर, दूसरा देश एशिया, एशिया महाद्वीप का नाम है। इस महाद्वीप में एक ऐसा इंडियन शहर है जहां इंडिया के लोग बहुत बस रहे हैं लेकिन एशिया का भूभाग है। जैसे इंडिया एशिया का भूभाग है एशिया महाद्वीप का, ऐसे ही इंडोनेशिया भी एशिया का भूभाग है लेकिन वहां इंडियंस ज्यादा बस गए, उसका नाम दिया गया इंडोनेशिया माने इंडियन एशिया। एशिया का क्या अर्थ? ऐश ये है ऐसा आराम की दुनिया लेकिन इंडियन है। कैसी? इंडियन है। विदेशी ऐसा आराम की दुनिया नहीं। कैसी ऐसा आराम की दुनिया? इंडियन है ऐसा आराम की दुनिया। किसको कहेंगे इंडोनेशिया? है ब्राह्मणों की दुनिया में इंडोनेशिया कौन है? है बेसिक वाले हैं। जो बेसिक में है वो सारा एडवांस में है कि नहीं? बेसिक वाले जड़े हैं और एडवांस वाले बीज है, तो सब कुछ तो एडवांस की दुनिया में है। बेसिक की दुनिया में तो बाद में होता है, है? पहले तो एडवांस में है। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं वो यज्ञ के आदि में भी थे या नहीं थे? सिंध हैदराबाद में रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। उस समय सिंध हैदराबाद की भी आबादी 9 लाख थी। हो गया। और
अलावा हर एक देश का नाम एक ही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लेकिन भारत का नाम भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। भारत पुराना नाम है या इंडिया नया नया नाम है? पुराना नाम है भारत, पुराना नाम है। भा का अर्थ होता है रोशनी, रत माने लगा हुआ, जो ज्ञान की रोशनी में ही सदैव जिसकी बुद्धि लगी रहे वो है चैतन्य भारत, उसका नाम पड़ गया भारत। और इंडिया नाम किसने रखा? विदेशी या लोग आए, उन्होंने इंडिया नाम रख दिया। अभी देखा थे हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या कम है, हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या कम है, तो भी हिंदुस्तान कह दो। हिंदू कोई एक धर्म का नाम नहीं है, हिंदी में एक भाषा है या अनेक भाषाओं का समावेश, खिचड़ी इकट्ठी हो गई है, हिंदी में सब भाषाओं की खिचड़ी इकट्ठी हो गई। इसलिए ऑल इंडिया में जहां कहीं भी हिंदी भाषा भाषी जाते हैं तो दूसरे भाषा वाले लोग भी आसानी से हिंदी को समझ लेते हैं। सीखना, समझना, लिखना, पढ़ना हिंदी में जल्दी आ जाता है। सब धर्म वाले इंडिया में घुस पड़े, इंडिया की जो राजधानी है उस राजधानी की यही खासियत है कि दुनिया के हर धर्म के लोगों ने दिल्ली राजधानी की गोद में राज्य किया। जैसे माँ की गोद में हर एक बच्चा राज्य करता है, ऐसे ही दिल्ली की गोद में हर धर्म की आत्मा ने राज्य किया है। तो असली यहाँ ज्यादा होंगे या नकली ज्यादा होंगे? है, नकली ज्यादा हो जाते हैं। द्वारका अभी निकलती है क्या? सागर से द्वारका निकलती है अभी, सागर से द्वारका निकलती, द्वारका निकलती है, बेहद में क्या रास्ता? द्वारका निकलती है तो द्वारकाधीश कहा जाता है, द्वारका में जाके राज्य करता है कि वृंदावन में राज्य करता है कि गोकुल में राज्य करता है? द्वारिका में राज्य करता है। उसके आदि में शब्द ही लगा हुआ है द्वा, एक होता है अद्वैत, दो नहीं एक, उसे कहते हैं अद्वैत। अद्वैत धर्म है देवता धर्म, अद्वैतवादी है जहां से द्वारिका की शुरुआत हुई। और इसलिए कृष्ण ने जो राज्य किया है वो कौन सी कौम के ऊपर राज्य किया? द्वारिका में कौन सी कौम ज्यादा रहती थी? यादव ज्यादा रहते थे। भारत में भारतीय रहेंगे। बाबा ने यादव किसको कहा है? रूस और अमेरिका को यादव कहा है।
द्वैतवादी धर्म वहां ज्यादा फैले हुए हैं। ओम शांति।